हेलो दोस्तों, मैम चैनल। आज जो हुआ सुबह सुबह कि न्यूज़ आई कि हैदराबाद रेप केस के चारों आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान मार दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि न्याय मिल रहा है। ये एक तरीके से लोग होप की तरह देख रहे हैं कि अगर पुलिस में ये जागरूकता है, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं इतनी जल्दी, अगर हमारा सिस्टम चलेगा तो शायद भविष्य में ये चीज़ रुक सकती है। जो पुलिस मैन उसमें शामिल थे वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, उनको एक तरीके से स्पेशलिस्ट देखा जाता है। और वो जहाँ थे वडनगर में 2008 के टाइम पे, वहाँ भी उन्होंने ऐसे इनकाउंटर किया था किसी एसिड अटैक के एक्यूज़ को। ये बिल्कुल कोइंसिडेंट है और बहुत किस्मत की बात है कि वही आदमी वहाँ मौजूद था, उस केस में हैंडल कर रहा था। तो देखा जाए तो ये चीज़ होनी थी और ऐसे पुलिस वालों की बहुत ज़रूरत है, हमें पूरे देश में ज़रूरत है कि ऐसे मामलों में ऐसे ही ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। अब आते हैं कि कुछ लोग हैं, हम लोग सोसाइटी में हैं कुछ लोग, और आप सुनेंगे तो शॉक रह जाएंगे। या एक आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि, और पहले मैं बात बता दूँ उसके बाद वो न्यूज़ दिखाऊँगा। बात यह है कि लोग कहना चाहते हैं कि रेप अक्यूज्ड को फांसी भी मत चढ़ाओ, गोली मारना तो दूर की बात है। ये दवायर ने अपने सोशल मीडिया से डाला, इंस्टाग्राम पर डाला कि 7 ऐसे कारण हैं, आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप कारण भी पढ़ सकते हैं। 7 ऐसे कारण हैं कि उन लोगों को हैंग नहीं करना चाहिए, उनको फांसी पर नहीं लटकाना चाहिए। अब मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, वो लिखने वाला कोई आदमी था या महिला थी मुझे नहीं मतलब, उसको मैं एक जवाब भी देना चाहता हूँ कि तुरंत अगले दिन ही उन्नाव रेप केस की पीड़ित को उस एक्यूज्ड ने जो बेल पे बाहर था, फांसी नहीं मिली, बेल पे बाहर था, उसने उस लड़की को जला दिया। वो लड़की 90% जल के दौड़ रही थी, 1 किलोमीटर के आसपास वो दौड़ी, चिल्लाई 90% जली हुई हालत में। मतलब वहाँ पे इंसान नहीं रहते लग रहा है कि 100 मीटर की दूरी तक भी क्यों चलने दिया। वो हादसा हुआ, वो शुरुआत तो हो गई, चलो झटके में लोग नहीं समझ पाते हैं, उसके बाद तुरंत उसको आग को बुझाया क्यों नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि आज़ाद होने के बाद लोग ये लोग करते हैं ऐसा, ये इनकी मेंटालिटी कभी बदलेगी नहीं। इनका सिर्फ एक ही इलाज है, मौत, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो, चाहे इनकाउंटर में हो, चाहे पब्लिक इलाज करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अब मैं वायर वाले पॉइंट पे आता हूँ कि वायर वाले ने जिसने आर्टिकल लिखा या लिखी, जो भी औरत है आदमी है, उससे कहना चाहता हूँ, वो लोग हमेशा थर्ड पार्टी की तरह सोचते हैं, खुद को बहुत प्रोफेशनल जर्नलिज्म दिखाने का, बहुत तो ढोंग करने का जो उनका रहता है, क्या उनमें से किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में अगर 4 लोग हैं जिसमें से 2 महिलाएं हैं और उनमें से एक के साथ किसी के साथ हो जाए, इतना ही घिनौना काम, बिल्कुल रेप करके जला के मार दिया, तो क्या उस वक्त जब उनको बुरा लग रहा होगा, रो रहे होंगे, तो क्या सरकार से यही डिमांड करेंगे, पुलिस से यही डिमांड करेंगे कि फांसी पे मत लटकाओ? जब तक आप किसी को अपने से जोड़ के नहीं देखते, तब तक आप यही सब करते रह जाएंगे और इतने हार्टलेस होकर डिमांड्स करेंगे। और अब बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सबूत मांग रहे हैं कि पुलिस ने इनकाउंटर किया तो बॉडी कहाँ है। कुछ एक दो लोगों ने मेरी वीडियो में ऐसे कमेंट भी किया है पिछली वाली कि प्रूफ क्या है, तुमने कैसे मान लिया भाई कि ये ऐसा हो चुका है, हमारा इंडियन सिस्टम जो है वो ज़रूरी नहीं कि सही दिखाए। तो अब मैं उनसे क्या बोलूँ, अब ऐसे लोगों का क्या इलाज है, मैं क्या बताऊँ? अब जब तक क्या उनकी बॉडी उनके सामने परोसी नहीं जाएगी तब तक नहीं मानेंगे? या फिर जब तक इन लोगों को, ऐसे लोगों को मारने से पहले क्या बैठा के बुलाया जाए कि भाई आओ बैठो, मार रहे हैं, एक प्रोसीजर होता है, समय पर बॉडी भी दिख जाएगी, उसका वेट करना सीखो। अभी आज ही हुआ है और आपको आज ही सब कुछ करना है, सब कुछ डाउट करना है। बहुत समय बाद एक पुलिस ने इतना अच्छा काम किया जो नज़र में आया, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ी है पुलिस के लिए। अगर पुलिस ऐसी ही रहेगी तभी लोगों का पुलिस पे भरोसा रहेगा, अगर ऐसी नहीं रहेगी तो लोग पुलिस से भी डर के भागेंगे। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें पुलिस की गंदी हरकत थी, हेल्प के बहाने ले गए, घर ड्रॉप करने के बहाने, और क्वार्टर में लेकर रेप कर दिया, गैंग रेप हो गई। तो पुलिस से भी लोग डरते हैं, लेकिन पुलिस जब अच्छा काम करती है तो सराहना भी चाहिए, और बुरा काम करती तो एक्शन भी लेना चाहिए। ये जनता का प्रेशर था कि पुलिस ऐसा करने पे मजबूर हो गई, ये जनता का प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, और यही प्रेशर बने रहना चाहिए कि उसके बाद भी जितने रेप हुए उन सब पे ऐसी कार्रवाई हो, और उसके बाद लोगों के अंदर ये खौफ आना चाहिए कि आज के बाद ये मंजर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। मतलब रेपिस्ट ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये नौबत मेरे साथ ना आ जाए, ये माइंडसेट होना चाहिए। खैर, जनता से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे वीडियो को, लाइक करे, अपना कमेंट जरूर बताए कि आपकी क्या सोच है, क्या आपको यकीन है कि मार दिया, क्या आपको भी प्रूफ चाहिए, क्या आपको अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्या आपको लगता है कि
इन लोगों को ऐसे छोड़ देना चाहिए? मैं चाहता हूँ कमेंट में कोई बताए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।